हाँ हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में एटॉमिक फिजिक्स को हमने कंप्लीट कर लिया है, जो कि हम कह सकते हैं कि मॉडर्न फिजिक्स का सेकंड चैप्टर था। आज हम मॉडर्न फिजिक्स का कोई नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है न्यूक्लियस या न्यूक्लियर फिजिक्स। ठीक है बच्चों, तो ये है चैप्टर का नाम न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स बच्चों, न्यूक्लियर जो फिजिक्स है, इसमें कंपटीशन एग्जाम में लगभग एक क्वेश्चन अड़सा आता है। इसमें दो पार्ट हम डिस्कस करेंगे, दो पार्ट होते हैं, ठीक है ना। तो दोनों पार्ट में लगभग एक क्वेश्चन आता है, वो भी इंपोर्टेंट है। सॉरी है, जैसे कि राजस्थान बोर्ड बात करते हैं, तीन ही नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हम आगे इकट्ठा करते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स। इसमें अपन इस चैप्टर को दो भागों में बांट रहे हैं न्यूक्लियर फिजिक्स को। इसका जैसे एनसीईआरटी है, उसमें जो चैप्टर का नाम रहता है वो है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस ठीक है ना, न्यूक्लियर फिजिक्स। और नेक्स्ट जो मैं बता रहा हूँ न्यूक्लियस की, इसमें एनसीईआरटी बुक का नाम है न्यूक्लियस रहता है। देख रहे हैं इसमें कि हम टू पार्ट बनाएंगे, टू पार्ट। तो क्या हो जाएगा, पार्ट नंबर वन, पार्ट नंबर वन हो जाएगा भाई न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर रिएक्शन। और बच्चों पार्ट नंबर टू हो जाएगा, पार्ट नंबर टू हो जाएगा रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी। ये दो पार्ट है। तो आज हम शुरू करेंगे पार्ट नंबर वन को, न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर रिएक्शन में। हम बिल्कुल सिंपल सिंपल सी बातें करने वाले हैं बच्चों आज की क्लास में। तो देख रहे हैं हम सबसे पहले पार्ट नंबर वन को, न्यूक्लियस, ठीक है ना। तो पार्ट नंबर वन स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। न्यूक्लियस पार्ट नंबर वन है न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर रिएक्शन। अब पार्ट नंबर वन में हम बिल्कुल सिंपल सिंपल से पॉइंट पर डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले तो एक पहला पॉइंट हो जाएगा, देख रहे हैं पहला पॉइंट क्या होगा। सबसे पहला पॉइंट होगा बच्चों कि जो न्यूक्लियर की डिस्कवरी की थी वो साइंटिस्ट रदरफोर्ड ने की थी। सबसे पहले रदरफोर्ड डिस्कवर दी न्यूक्लियस। सबसे पहले न्यूक्लियस के बारे में जो बताया, जो जानकारी दी, उसने दी बच्चों रदरफोर्ड ने दी थी। तो अपन क्या देख रहे हैं इसमें, देख रहे कि रदरफोर्ड डिस्कवर दी, रदरफोर्ड the
central part. The central part. The central part of the atom. The central part of the atom is known as central part of the atom is known as nucleus whose radius is order of 10 to the power minus 14 meter. ठीक है बच्चों, अभी नहीं कितावन 10 की पावर माइनस का 15 घंटे ले सकता है, दोनों ही बात अच्छी है बच्चों। इतनी बड़ी पावर इसका कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। तो ऑर्डर ऑफ 10 टू दी पावर माइनस का 14 मीटर एंड रेडियस ऑफ the sum of
number of protons and number of neutrons. The sum of number of protons and number of neutrons is called mass number. Or nucleons number. तो अपन को एक देखो रेडियस का फॉर्मूला आ गया। अब इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं
वो जनरली फॉर्मूले पर आधारित नहीं बनते, क्योंकि ऐसे बनते हैं कि हम लोग कि जो रेशियो वगैरह पूछा जाता है कैसे देख रहे हो। नेक्स्ट पॉइंट देख रहे हो कि आर डायरेक्टली प्रोडक्ट क्या होगा, ए की पावर वन अपॉन थ्री। आर डायरेक्टली प्रोडक्ट ए की पावर वन अपॉन थ्री, तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा भाई आर वन अपॉन आर टू बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए वन अपॉन ए टू की पावर वन अपॉन थ्री। इस एक रिलेशन है बच्चों, इनमें रेशियो भी पूछा जा सकता है, या फिर एक न्यूक्लियस का अपने को रेडियस है तथा दूसरे न्यूक्लियस का रेडियस भी हमें पूछा जा सकता है, ठीक है ना। जैसे कि बात करें लोग एक क्वेश्चन है योग्यता में क्या है, क्वेश्चन देख रहे हैं या बाद में करेंगे क्वेश्चन को, पहले अपन न्यूक्लियस की बात पूरी चर्चा कर लेते हैं। तो यहां से भी न्यूमेरिकल बनते हैं, तो ये अपने को पता होना चाहिए रिलेशन, ये रेशियो वगैरह पूछ लिया जाए तो भी मालूम होना चाहिए। एक न्यूक्लियस का हमें रेडियस दे रखी है और मास मॉडल का दोनों बातों पर एक दूसरे की भी रेडियस फाइंड कर सकते हैं रिलेशन के द्वारा। आपको जब हम देख रहे हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूक्लियस, रिप्रेजेंटेशन और सिंबल, सिंबल ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस रिप्रेजेंटेशन और सिंबल ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है भाई। तो चर्चा करते हैं लोग, क्या चर्चा करते हैं रिप्रेजेंटेशन और सिंबल ऑफ न्यूक्लियस में, आप देख रहे हैं क्या देख रहे हैं भाई कि अपन ऐसे लेते हैं इसको एक्स से, एक्स मतलब सिंबल है एलिमेंट का जनरल फॉर्म में, यहां पर लिख दिया जेड और यहां पर लिख दिया ए, ठीक है ना। तो ऐसे अपन इसका इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसको ऐसे भी किया जा सकता है या कहीं नहीं इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता होगा, ये जेड और ए ऊपर दोनों ऊपर लिखे रहते हैं फाइल में, ठीक है ना। पर कुल मिलाकर जो ऊपर लिखा होता है वो मास नंबर होता है, जो लिखा रहता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। तो यहां पर क्या क्या हो जाएगा, वेयर वेयर एक्स क्या हो जाएगा भाई, एक्स हो जाएगा सिंबल ऑफ एलिमेंट, सिंबल ऑफ एलिमेंट, सिंबल ऑफ एलिमेंट जेड बराबर है भाई नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स और ए बराबर हो जाएगा मास नंबर, मास नंबर, ठीक है बच्चों। और ए माइनस जेड बराबर क्या हो जाएगा, उसको मैं खाली दूं यहां पे लिखता हूं इस तरह, ए ए बराबर कितना है मास नंबर, ए माइनस जेड कितना है, ए है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, क्लियर हो गया बात। तो बच्चों ये बने चर्चा की, अब इसमें और देखते हैं लोग कुछ एग्जाम्पल वगैरह लेकर कि मान लो सपोज करें कि कोई एलिमेंट यूरेनियम का एलिमेंट है, एच दिया जाता है 92 238 230 के, ठीक है ना। हमें इसमें लगा बताना है राइट दी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बच्चों हमें बताना है, क्लियर हो गई बात। चलो आपको मैं आगे चर्चा
और प्रोटॉन्स बराबर जेड बराबर रहेगा ही जेड बराबर 92 ठीक है। ये तो है जेड, ये होता है मान नंबर के ऊपर वाला मान नंबर होता है ना बच्चों। चलो इसके बाद हम देखते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना होगा। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ए हो जाएगी बच्चों ए माइनस है और ए की वैल्यू है 238 238 माइनस कितना 92। तो इसको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा भाई 146। तो ये बच्चों अपने को सिंपल तरीका करता हूं, क्या किया आप प्रोटॉन और न्यूट्रॉन डिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं। क्लियर। अब हम आगे चर्चा करते हैं भाई, किसकी चर्चा करते हैं बच्चों, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। अब डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस क्या है देखेंगे हम लोग। इफ दी मास ऑफ न्यूक्लियस इज कैपिटल एम एंड मास ऑफ न्यूक्लियस कैपिटल एम एंड वॉल्यूम इज कैपिटल बी, मास ऑफ न्यूक्लियस कैपिटल एम है वॉल्यूम है कैपिटल बी, देन डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस रो इक्वल टू हो जाएगा बच्चों मास ऑन वॉल्यूम, मास कौन वॉल्यूम ही होता है, दोनों बराबर हो गया फाइनली एम अपॉन वी। ये हमने देखा 21 नंबर वन, इसको बच्चों हमने लिखा। अब हम बात कर रहे हैं कि इफ दी मास ऑफ मास ऑफ वन न्यूक्लियस इफ दी मास ऑफ वन न्यूक्लियस इज एम नॉट, इफ दी मास ऑफ वन न्यूक्लियस इज कितना होगा तो एम नॉट, इफ दी मास ऑफ वन न्यूक्लियस इज एम नॉट एंड वन न्यूक्लियस इज एम नॉट एंड बस इतना कि मास ऑफ वन न्यूक्लियस इज एम नॉट देन टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस, टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस न्यूक्लियस कैपिटल एम बराबर हो जाएगा भाई एम नॉट इंटू कैपिटल ए ठीक है। अब न्यूक्लियस अब तुम लोग सोचे कि सर प्रोटॉन और न्यूक्लियस का मास सेम होता है क्या, तो बच्चों 99.99% सेम रहता है, मतलब ऑलमोस्ट सेम कह सकते हैं। यदि दोनों का मास मैंने जमा लिया एम नॉट तो कितने न्यूक्लियस रहते हैं न्यूक्लियस के अंदर कैपिटल ए, तो टोटल मास कितना हो जाएगा एम नॉट इंटू कैपिटल ए हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ आ गई। अब हम आगे चर्चा करते हैं कि
अब वॉल्यूम कितना हो जाएगा? अच्छा ये इसकी वैल्यू अपन इसको देते हैं 21 नंबर 2। सो क्या देते हैं बच्चों? 21 नंबर 2। इक्वेशन नंबर है ए रहा, इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब हम वॉल्यूम की चर्चा करते हैं। वॉल्यूम v बराबर कितना हो जाएगा? तो v बराबर हो जाएगा भाई 4/3 πr। v बराबर कितना हो जाएगा भाई? 4/3 πr³ हो गया। अब इसमें r बराबर डिस्टेंस ऑफ रेडियस, r बराबर कितना हो जाएगा? जीरो जीरो जो आर नॉट ए की पावर 1/3 वैल्यू पुट कर दिए क्या हो जाएगा? देयरफॉर वी इक्वल्स टू हो जाएगा बच्चों 4/3 πr³। आर क्यूब की वैल्यू पुट करते हैं तो आर नॉट का क्यूब और ए की पावर 3 हो जाएगा। तो इसको कह रहे हैं बच्चों पढ़ लो इक्वेशन नंबर था, ठीक है। अब आगे देखिए पुटिंग दी वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 बराबर m, कितना हो जाएगा? m नॉट इनटू कैपिटल ए। v की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4/3 πr³ इनटू a। अब बच्चों यहां से क्या देख रहे हैं लोग कि a से a तो कट जाएगा, a से a तो कट जाएगा, तो क्या रह जाएगा? ये रह जाएगा डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस बराबर 3m0/4πr³, ठीक है बच्चों। तो इससे अपन को पता चल रहा है कि जो डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस है ये मास नंबर पर डिपेंड नहीं करती है, और मास नंबर पर डिपेंड नहीं करती है तो क्या लिख रहे हैं लोग कि सभी न्यूक्लियस की जो डेंसिटी है वो सेम रहती है। अब उसमें हम आगे चर्चा करते हैं कि भाई m नॉट कितना होता है? मास ऑफ न्यूक्लियस मतलब प्रोटॉन का मास हो या न्यूट्रॉन का मास हो, ये मास याद रखो बिल्कुल सेम ही रहता है। कितना के लिए हो गया, ठीक है। r नॉट अपन देखा ही है, r नॉट कितना होता है? 1.2 × 10⁻¹⁵ मीटर। ये होता है वैल्यू पुट करते तो क्या आएगा? Putting D value, putting D value in equation 4. तो equation में पूरा तो करेंगे तो कितना हो जाएगा? रो बराबर कितना हो जाएगा? तो देख रहे हो रो बराबर 3m0/4πr³ है ना, तो 3 × 1.67 × 10⁻¹⁵ कितना? 4πr³ मतलब 1.2 × 10⁻³ −15 का क्यूब। तो बस इसको अपन जब सॉल्व करते हैं आता है 2.7 × 10⁻³ + 7 kg/m³। तो ये जो डेंसिटी आई है न्यूक्लियस की, ये डेंसिटी बच्चों बहुत ज्यादा मानी जाती है, बहुत हाई डेंसिटी है। अगर इस डेंसिटी का अर्थ को बना दिया जाए तो अर्थ जो है वो बिल्कुल कांच की जो गोली होती है ना छोटी बहुत उसके बराबर हो जाएगी, इतनी ये ज्यादा डेंसिटी है, ठीक है। तो ये अपने देखा और एक प्रेजेंट और क्या पता चलता है? प्रेजेंट ये पता चलता है डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस
does not depend on, does not depend on, does not depend on mass. Does not depend on mass number. मास नंबर पर डिपेंड नहीं करता है बच्चों, देयरफॉर डेंसिटी ऑफ ऑल मीडियम, ऑल न्यूक्लियस आर से सेम वाले दो न्यूक्लियस का वो डेंसिटी का रेशियो फाइंड करना हो लिखना हो तो जाएगा सेम न्यूक्लियस से 1:1 हो जाएगा। तो ये जो थी आज की क्लास में हमने बच्चों न्यूक्लियस से रिलेटेड बिल्कुल बेसिक बेसिक बातें की हैं, बेसिक बेसिक पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं, इनसे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन वगैरह बनता है तो हम डिस्कस करेंगे। तो आज की इतना ही, बाकी बात